अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार ट्रंप का न्यूड स्टैचू सुर्खियों में बना हुआ है। पूरे अमेरिका के 5 शहरों में डोनाल्ड ट्रंप का न्यूड स्टैचू लगाया गया। स्टैचू के पास से गुजरने वाले लोग भी इसे देखकर खुश और हैरान नजर आए। लोगों ने स्टैचू के साथ सेल्फी भी ली। इसमें ट्रंप का चेहरा सख्त और बालों का रंग पीला नजर आ रहा है और वो अपने पेट पर हाथ मोड़कर खड़े दिख रहे हैं। ये प्रतिमाएं आंदोलनकारियों के एक कला समूह ने लगाई हैं। दरअसल ये समूह ट्रंप विरोधी है। इनका कहना है कि रिपब्लिकन पार्टी के विवादास्पद प्रत्याशी को कभी भी अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बनना चाहिए। एंडरक्लाइन संगठन ने इस बारे में बयान जारी कर कहा है कि ये स्टैचूज कुछ पुराने ख्वाबों को दिखाते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने खूब भ्रम फैलाने की कोशिशें की। इन कोशिशों को हम पीछे छोड़कर देखना और उन पर हंसना चाहते थे, इसलिए हमने इन स्टैचूज को लगवाया। आपको बता दें कि ये स्टैचूज न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस और क्लीवलैंड में लगाए गए थे। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने यह कहते हुए इन स्टैचूज को हटवा दिया कि इन्हें लगाने से पहले अनुमति नहीं ली गई। तो ये एक तरह से ट्रंप विरोधियों का गुस्सा था, जिसे उन्होंने कुछ निराले अंदाज में जाहिर किया। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, जो अक्सर किसी न किसी बयान को लेकर विवादों में रहते हैं। देखते रहिए डीबी लाइव।